हरदोई 52 ब्लॉक में अभी तक शुरू नहीं हुई धान खरीदी। ब्लॉक में निर्धारित किए गए हैं 2 क्रय केंद्र। सकरा और दौली में संचालित होने हैं दोनों क्रय केंद्र। सेंटर इंचार्ज रहते हैं नदारद। क्रय केंद्र में लटका ताला दे रहा नदारद होने की गवाही। क्षेत्रीय लोगों ने दर्द बयां कर प्रशासन से धान क्रय केंद्र खुलवाने की उठाई मांग। डिप्टी आरएमओ अनुराग पांडे ने क्रय केंद्र खुलवाने की जल्द कही थी बात। हालात बद से बदतर, किसान बेहाल। आप बीती सुनाते किसान। सेंटर बंद पड़ा है तो हम लोग तो मंडी ले जा रहे हैं धान। 900 1100 में बेच दिया है सारा धान। सेंटर चला ही नहीं था, कह रहे थे यहाँ पे होगी ही नहीं खरीद इस साल, पिछले साल भी नहीं हुई थी। अब चालू हो जाए तो और गांव वाले बचे हैं किसान, इनके ही बिक जाएंगे धान सरकारी रेट में। क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। कहेंगे कि ये सेंटर चालू होने से यहाँ के ग्रामीण काश्तकारों का धान सही रेट में जो बिके। गवर्नमेंट अपना तो रेट निर्धारित किए हैं और हम लोगों को वहाँ 800 900 1000 रुपए में धान बिक रहा है और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ दौली वाला सेंटर चला दिया जाए और उस पर खरीद होने लगे तो हम लोगों का धान यहाँ नजदीक और सही रेट में बिक जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शारदावकर सिंह। बंद पड़ा है, क्या कहेंगे इस पे? हम यही अनुरोध करते हैं सरकार से कि ये जो सेंटर है ये चालू हो जाए तो हम लोगों को धान मंडी ना ले जाना पड़े और हम लोग धान यहीं बेच लें। मंडी में जाते हैं वहाँ बता दिया जाता है कि धान में आपके नमी है, कूड़ा है, आपका धान गंदा है, ये है वो, 50 यानी सवाल कर दिए जाते हैं वहाँ पे। और धान बिकता हमारा 1000 1100 1200, इससे ऊपर रेट नहीं मिलता। तो बताओ हम लोग क्या कर सकते। हम तो यही अनुरोध करते हैं कि हमारा ये सेंटर चालू हो जाए तो हमें अच्छे रेट भी मिले और हम लोगों को दिक्कत भी ना हो। कहाँ पे है सेंटर? ये दौली सेंटर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगशीर सिंह।